हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू जीएसटी रिटर्न जो कि नियर फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने वाले। व्हाट इज द इंटेंट ऑफ न्यू जीएसटी रिटर्न? जीएसटी रिटर्न का इंटेंट क्या है कि लायबिलिटी डिटरमाइन करना है, आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करना है, आपका जो भी पेमेंट होता है वो कैश लेजर में क्रेडिट होगा और आपकी जो भी लायबिलिटी होगी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए या फिर कैश लेजर के जरिए उसका पेमेंट होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन जीएसटी रिटर्न में आएगी। फ्रेंड्स, अभी के जीएसटी रिटर्न की सिस्टम क्या है कि सप्लायर जीएसटी आर वन अपलोड करता है, उसमें वो अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपलोड करता है, रिसिपिएंट को वह डिटेल जीएसटी आर टू में ऑटो कैलकुलेटर मोड पर दिखाई देती है। हालांकि रिसिपिएंट उसको एडिट नहीं कर सकता है, यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का भी ऑप्शन नहीं आता है। सप्लायर को जो भी टैक्स का लायबिलिटी आती है वह कैश पेमेंट या फिर आईटीसी के जरिए पेमेंट कर सकता है। जब भी वो कैश पेमेंट के जरिए पेमेंट करता है तो वह उसका टैक्स पेमेंट के रूप में कैश लेजर में क्रेडिट होगा, और जब भी वो जीएसटी या थ्री बी फाइल करता है तो वह आईटीसी के जरिए या फिर कैश लेजर के जरिए अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है। नए रिटर्न की स्कीम में फ्रंट क्या आने वाला है? नए रिटर्न की स्कीम में लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी? लायबिलिटी विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ANX1। ANX1 में इनवॉइस लेवल लायबिलिटी नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर एंड इट इज टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। आईटीसी ANX2, द सप्लायर ANX1 इनवॉइस गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन द ANX2 ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कीप द इनवॉइस पेंडिंग। द एक्सेप्टेड इनवॉइस मेक द फाइनल आईटीसी। मतलब जो सप्लायर ANX1 फाइल करता है उनके बेसिस पे रिसिपिएंट को अपने ANX2 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल दिखाई देगी और वह रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग मोड पे रख सकता है। जो भी इनवॉइस वह एक्सेप्ट करता है उसके बेसिस पे उसकी फाइनल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमाइन होगी। कैश लेजर, टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल पर टैक्स चलन क्रिएट करना है और उसके बेसिस पे पेमेंट करना है। जो भी वो पेमेंट करेगा वो उसके कैश लेजर में क्रेडिट होगा। पेमेंट, जीएसटी रिटर्न आरईटी 1, 2 और 3 या फिर PMT 08 के मोड से उसको अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करता है। पेमेंट कैसे कर सकता है कि वो अपने कैश लेजर के जरिए या फिर ANX2 में जो आईटीसी अवेलेबल है उनके जरिए वो अपने लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है। फ्रेंड्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू जीएसटी रिटर्न? फ्रेंड्स, नए जीएसटी रिटर्न में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, यानी कि जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि उनको पेमेंट, जीएसटी की लायबिलिटी है उसका पेमेंट हर मंथली करना है, उसके लिए फॉर्म PMT 08 लिया गया है। क्वार्टरली रिटर्न कौन फाइल कर सकता है? और स्मॉल बिजनेस के लिए 2 अलग अलग रिटर्न के फॉर्म दिए है। जो ओनली B2C सप्लाई करते हैं उसके लिए RET2 दिया गया है, जिसको सहज बोला गया है, और जो B2B एंड B2C सप्लाई करते हैं और स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं उसके लिए RET3 यानी कि सुगम फाइल करने का ऑप्शन दिया गया है। नए जीएसटी रिटर्न को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, नया जीएसटी रिटर्न यानी कि जिसका टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ से कम है और सिर्फ B2C सप्लाई करता है उसके लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है और उसमें भी वह सहज रिटर्न फाइल कर सकता है। जिसका टर्नओवर फ्रेंड 5 करोड़ से कम है और जो B2B या B2C दोनों सप्लाई करता है उसके लिए भी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है और वह सुगम रिटर्न फाइल कर सकता है। इसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और जो सहज और सुगम में एलिजिबल नहीं है वो RET1 क्वार्टरली फाइल कर सकता है। इसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसको मैंडेटरी RET1 मंथली फाइल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, जिसको भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है उसको टैक्स का पेमेंट तो हर मंथली करना ही है और उसके लिए फॉर्म PMT 08 दिया गया है। पुराने रिटर्न और नए रिटर्न में अंतर क्या है? फ्रेंड्स, जीएसटी या 3B में हम अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप डालते हैं, जबकि
नए रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एनएक्स टू। तो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ की डिटेल्स इन रिटर्न इट इज अ मेजर डिफरेंस। फर्दर हमें पुराने रिटर्न में GSTR 1 और 3 भी दोनों फाइल करने पड़ते हैं, जबकि नए रिटर्न में हमें एनएक्स 1 और एनएक्स 2 फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम RET 1, 2 और 3 फाइल करेंगे, एनएक्स 1 एंड एनएक्स 2 आर डीम टू बी फाइल। फ्रेंड, नए रिटर्न का फ्लो कैसा होगा? तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इनवॉइस, मतलब सप्लायर अपलोड इनवॉइस इन एनएक्स 1, रिसिपिएंट व्यू सच इनवॉइस इन एनएक्स 2, रिसिपिएंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट बट कांट एडिट और अमेंड। अगर रिसिपिएंट वो इनवॉइस रिजेक्ट करता है तो सप्लायर वो इनवॉइस को व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, अमेंड कर सकता है और वो वापस भी भेज सकता है। And the final version of invoice will be reached to the recipient. Changing the return type and filing frequency. Friends, monthly return filers are allowed to file only RET1. जिसको monthly return file करना है, monthly return किसे file करना है? कि जिसका turnover 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको compulsory RET1 file करना है। Quarterly return filer are allowed to choose any of three, RET1, RET2 or RET3. Taxpayer had to select his profile at the start of the year. Change of filing frequency are not allowed for the same year. Changing the returns file are allowed only with certain conditions. देखते हैं फ्रेंड, changing return type and filing frequency in detail. जो RET3 सहज रिटर्न फाइल करता है, यानी कि एक कौन फाइल कर सकता है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और जो ओनली B2C सप्लाई करता है, फ्रेंड्स वो सुगम के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब वो सहज से सुगम में ट्रांसफर हो सकता है। सुगम के लिए कौन एलिजिबल है? जो B2B और B2C दोनों सप्लाई करते हैं लेकिन उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, या फिर RET1 क्वार्टरली फाइल में भी हो जा सकता है। RET1 क्वार्टरली के लिए कौन एलिजिबल है? कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। आइए देखते हैं, अगर किसी ने सुगम के लिए सिलेक्शन किया है, क्या वो रिटर्न अपना चेंज कर सकता है? फ्रेंड्स, सुगम वाला RET1 क्वार्टरली में ट्रांसफर हो सकता है, हालांकि वो सहज में नहीं जा सकता है। यानी कि सहज वाला सुगम में आ जा सकता है लेकिन सुगम वाला सहज में नहीं जा सकता है। फ्रेंड, जो RET1 क्वार्टरली जिसने सिलेक्ट किया है अपनी प्रोफाइल में, वो सहज या सुगम दोनों में से कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ न्यू GST रिटर्न। फ्रेंड्स, नए GST रिटर्न में सप्लायर अपने इनवॉइस थ्रू आउट द मंथ अपलोड कर सकता है और क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय रिसिपिएंट अकॉर्डिंगली। मतलब सप्लायर जो भी इनवॉइस अपलोड करेगा वह उसके एनएक्स 2 में ए रिसिपिएंट को दिखाई देगा। नया GST रिटर्न आने से जनरेशन ऑफ फेक इनवॉइस पे पाबंदी लगेगी। ये नया GST रिटर्न आने से जो कि नॉन फाइलर से या फिर जो डिले रिटर्न अपना फाइल करते हैं, ये उनके लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि जैसे ही कोई सप्लायर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, रिसिपिएंट को अपने एनएक्स 2 में वह दिखाई नहीं देगा और वह रिसिपिएंट उसका ITC के लिए एलिजिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से जो सप्लायर अपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है।